हेलो गाइस, मैं विभा, आपका अपने फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में स्वागत है। आज हम आपको हाजमोला ऑरेंज कैंडी बना करके दिखाएंगे। बनेगी तो संतरे से, लेकिन उसका टेस्ट ऑरेंज के साथ में बिल्कुल हाजमोला टेस्ट वाला होगा। बहुत ही अच्छे मेजरमेंट से बताएंगे और बहुत ही इजीली तैयार होगी। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सरल है, तो आपको कैसे इसे बनाना है, क्या क्या इसमें सामान पड़ेगा तो आपको दिखाते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा सामान नहीं पड़ने वाला है, बस थोड़ा सा ध्यान दे करके बनाने वाली चीज़ है। और ये हाजमोला इसका इतना टेस्ट बढ़ा देता है कि जब आप बनाएंगे तो आपको खट्टा मीठा टेस्ट लगेगा और हाजमे वाला भी आपका ऑरेंज जूस तैयार होगा। तो आप इसको ऑरेंज जूस भी बोल सकते हैं। आपको ये ले लेना है ऑरेंज और इसको हाफ कट कर देना है। इस तरीके से आपको बीज से कट करना है, जिससे कि इसमें जो बीज है वो आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, इसका सारा बीज इस तरीके से निकाल दीजिए। हमने बीज भी निकाल लिया है, देख सकते हैं बीज रखा हुआ है, और जो कि एक दो बीज रह जाएगा वो निकल जाएगा बाद में। तो इसको हम इससे निकालेंगे जूस को। यदि आपके पास जूस की मशीन है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, और अगर मिक्सी से आप निकाल रहे हैं तो एक भी बीज नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद मिक्सी से निकालने के बाद उसको छानना है। तो हम आपको इसी मशीन से बता दे रहे हैं, आपको जिस तरीके से इजी लगे आप निकाल सकते हैं जूस को। ऐसे प्रेशर डालते जाएंगे और ऐसे जूस निकालते जाएंगे ना। जूस निकला है, अब हम इसको मेजर करेंगे कि कितना हमारा जूस है। उसी के हिसाब से हम शक्कर लेंगे। आप कोई भी कटोरी, ग्लास, कप माप ले सकते हैं, किसी भी बर्तन का, और इसको हम इसमें डालेंगे। देखिए, आप भर कर के एक कटोरी हमारा रेडी हुआ है जूस खा दिया। अब हम इसको छानेंगे। कोई भी बाउल ले लीजिए, इसे छन्नी ले लीजिए और इसको इसमें डाल दीजिए। बस चाय वाली छन्नी से नहीं छानिएगा, ये गिरेगा नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से उंगली से कर दीजिए किसी भी चीज से, तो खुद ही रेशा निकल जाएगा इसका। ज्यादा आपको इसमें चलाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये रेशा था, निकल गया। अब इसको टच मत कीजिएगा, अगर इस रेशे को आप दबाएंगे तो हो सकता है नीचे निकल जाए रेशा। इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसी की हमने जो कटोरी की जो हमने माप ली है, अब इसी नाप से हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें भरकर की कटोरी शक्कर ली है। आपको शक्कर इतनी ही लेनी है, कम नहीं लेनी है, बराबर चीनी लेनी है। और ये हमने हाजमोला लिया है, पचनौल हाजमोला आप कुछ भी ले सकते हैं। ये हमने 4 पैकेट लिए हैं। अब इनको बारीक एकदम से पीस लेंगे। इस तरीके का कोई मोल्ड ले लेंगे, ये सिलिकॉन का मोल्ड है, तो ये बहुत आसानी से इसमें निकल जाती है। ये थोड़ा गहरा है और ये बहुत हल्का वाला है, इसमें गहराई बहुत कम है, तो ये चॉकलेट्स वगैरह के लिए काम अच्छे से आता है। आपके पास दवाइयों के पैकिंग खाली रहती है जिसमें बड़ा बड़ा पीस बना होता है, वो भी आप यूज कर सकती हैं। हमने पैन ले लिया है और गैस को जला दिया है। अब हम इसमें जूस डाल देंगे, जूस अच्छे से खौल जाए, फिर हम चीनी डालेंगे। आपको कढ़ाई जो है नॉन स्टिक या हार्ड एनोडाइज लेनी है। आपको एल्युमिनियम की, तांबे की और लोहे की, पीतल की ये कढ़ाइयां नहीं लेनी है। इसमें उबाल आने लगा है, अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। आप एक साथ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चीनी डाल देंगे, चीनी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, कर रखा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारा सपोर्ट बढ़ाए रहे। हमारे चैनल का लिंक जो है अपने ग्रुप्स में या अपने जो मेंबर्स हैं जिनको आप जानते हैं, वहाँ हमारे चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे आपका हमें फुल सपोर्ट मिल सके और लोग भी सब्सक्राइब कर सकें, हमारी वीडियोस देख सकें। तो यही सबसे बड़ा सहयोग आपका होगा, आप अपने ग्रुप्स में हमारे चैनल की लिंक को शेयर कर दीजिए, तो इससे काफी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो करें, वहां भी जाकर के हमारा सपोर्ट बढ़ाएं। देखिए, चीनी मेल्ट हो चुकी है। चीनी के घुल जाने के बाद में आप देख सकते हैं कितना लिक्विड हो गया है ये, तो अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम इसको गाढ़ा करेंगे। ये देखिए, आप इस स्टेज तक इसको हमने रेडी किया है। अब हम इसको किसी बाउल में डाल के देखते हैं जिसमें पानी है, कि ये कम्प्लीटली हुआ तैयार कि नहीं तैयार हुआ है। दिखाते हैं आपको, इसमें पानी में डालेंगे इसको। ये देखिए, उसको आप चलाते रहिए बीच बीच में। अब इसको हम इकट्ठा करेंगे।
ये देखिए अभी आप ये बहुत लूज है, अभी इसको हमें और रेडी करना है, जब तक ये ऐसे पकड़ कर टूट ना जाए तब तक इसको हमें रेडी करना है। इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे कम से कम 30 सेकंड के लिए पानी में। अब इसको निकाल कर देखते हैं, ये देखिए अब ये टूटने वाली स्थिति में है। ये देखिए अगर खिंचता है तो समझ लीजिए अभी ये टॉफी के लायक नहीं हुआ है। ये देखिए टूट गया, तो जब ये टूट रहा है तो आप समझ लीजिए ये रेडी हो गया। चौथाई चम्मच काला नमक डालेंगे और ये जो हमने हाजमोला पीस करके पाउडर रखा है उसको डाल देंगे। अब इसको हम मिलाएंगे, ये बहुत अच्छा अमेजिंग टेस्ट लाएगा। और इसमें थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे, येलो कलर डालेंगे, आपको जो भी पसंद हो आप डाल सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा ना आपको, टेस्ट में कमी आएगी, ऐसा ही रहेगा। इसको हमने ठंडा कर लिया है, इन मोल्ड में गरम या ठंडे का असर नहीं पड़ता है, इसीलिए इसमें तो थोड़ा हम गरम गरम डाल सकते हैं। तो इनको आप फुल भर दीजिए ऊपर तक, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, हाजमोला और काला नमक पड़ने की वजह से इनमें टेस्ट बहुत अच्छा आया है। और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, तो इसका कलर थोड़ा और सा ऑरेंज सा लगेगा। कुछ हमने इस मोल्ड में कर दी है, कुछ इसमें, ये मोल्ड वाली रेडी हो गई है, हम आपको दिखा रहे हैं निकाल करके, ये देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। ये देखिए ऐसे इनको सब निकाल लेंगे। और इसका भी जो हमने पीस बनाया है तो ये छोटा सा बना है, ये आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा है। इस तरीके से सब निकाल दीजिए, ये देखिए हमने अच्छे से इनको निकाल लिया है। आप इनकी डिजाइन भी देख सकते हैं, काफी खूबसूरत बनी है। ये हमारी हाजमोला ऑरेंज कैंडी है, जिनका खट्टा मीठा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ऑरेंज कलर तो नहीं इसमें दिख रहा है, बट ये हमने हाजमोला यूज किया है, इसकी वजह से थोड़े से कलर में चेंजिंग आई है। तो आप जो है इसको बना के इसका टेस्ट कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। और इसका शरबत भी बनता है, वो भी हम आपको बना के दिखाएंगे। अभी ऐसे मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे, कुछ पीसेस कैंडी के डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए हमने इसको पीस लिया है, अब इसका शरबत बना के दिखाते हैं आपको। ऐसे सी कोई भी ग्लास कप आप ले लीजिए, उसमें आप दो चम्मच करीब, दो तीन, जैसे आपका बड़ा ग्लास है तो आप उसमें ज्यादा डाल दीजिए। और इसको डालेंगे, अब इसमें हम पानी डाल देंगे, चाहे आप नॉर्मल वाटर डाल दीजिए, चाहे आप डाल दीजिए इसमें ठंडा पानी, जो भी आपको पसंद हो। ये बिल्कुल बनकर हमारा जूस रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं, ये कैंडी शरबत तैयार हो गया है। हमने ऑरेंज कलर डाला था इसलिए कलर भी ऑरेंज हो गया है। तो ये हमारा बनकर के रेडी है ऑरेंज शरबत। गर्मियों में आप इसको कितना भी सर्व कर सकती हैं, कितने लोगों के लिए भी बना के सर्व कर सकती हैं, बहुत टेस्टी है, बिल्कुल अमेजिंग स्वाद है इसका। मैं तो अक्सर करके बना के रखती हूँ इन सब चीज़ों को, और बनाने में बहुत आसानी रहती है, बना लिया रख लिया, जब कभी ज़रूरत पड़ी फटाक से शरबत बना दिया, शरबत भी हो गया और ठंडा भी हो गया। कुछ ठंडा चाहिए भी, ठंडा क्या दे सकते हैं, ऐसे बना लेते हैं, एक तो घर का है तो कोई नुकसान करने वाली भी चीज़ नहीं है। तो यदि आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।